हम हैं आपके बीच न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस बुलंद आबाद। जुर्म के खिलाफ हर शहर की खबर देखिए सिर्फ न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जनपद के कस्बा बेनीगंज में एक वाक्या प्रधानमंत्री आवास की छत ढह जाने का प्रकाश में आया है। लाभार्थी ने स्थानीय कोतवाली में दिए गए शिकायती पत्र में सीमेंट विक्रेता पर घटिया किस्म की सीमेंट देने का आरोप लगाया है। बताते चले कि कस्बा बेनीगंज के भूसोरी पूर्वा निवासी विशुन पाल पुत्र रघुनंदन पासी ने दिए हुए शिकायती पत्र में कहा कि मुझे मौजूदा समय में सरकारी आवास प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य कराए जाने के दौरान मैंने संपूर्ण बिल्डिंग मटेरियल कस्बा बेनीगंज निवासी दिलीप गुप्ता की फर्म स्थित सिकंदरपुर मोड़ से खरीदा था, जिसमें फर्म मालिक दिलीप गुप्ता द्वारा मुझे घटिया किस्म की ACC सीमेंट दिए जाने से मेरा पूरा नव निर्मित छज्जा नीचे गिर गया तथा मेरी पूरी स्लैब क्रैक हो गई है, जिससे मेरा काफ़ी नुकसान हुआ है। लाभार्थी ने प्रेस वार्ता के दौरान अपने बारे में बताया कि मैं मजदूरी करता हूं, मेरे 4 बालक और बालिकाएं हैं, मजदूरी के बलबूते पर परिवार का संचालन करता हूं। शासन प्रशासन से गुहार लगाते हुए लाभार्थी ने उक्त सीमेंट विक्रेता पर जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है। सूत्रों की माने तो घटिया व नकली किस्म की सीमेंट को बेचने का कस्बे में बाजार गर्म है। मेरा नाम विशुन पाल, मैं बेनीगंज भुसोरीपुरा का रहने वाला हूँ, जिला हरदोई हमारा है और मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना मिली थी और दिलीप गुप्ता के यहाँ से मटेरियल मैंने लिया था, सीमेंट मुझे नकली दे दी है, मेरा छज्जा गिर गया है, छत मेरी क्रैक हो गई है, मेरे बीबी बच्चे बाल बाल बच गए हैं। दिलीप गुप्ता से 2-3 बार मैंने कहा है तो दिलीप गुप्ता बोल रहे हैं कि जब वो सीमेंट का मालिक आएगा तब वो देखेगा। मेरा छज्जा मेरे दरवाजे पे लटका हुआ है, मेरे बीबी बच्चे डरते हैं सब। और उसके बाद में मैंने एप्लीकेशन दी है सब अधिकारियों से। मेरा निवेदन है कि मेरी कार्रवाई की जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।